नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल ओम बेटक वाला में। जैसा कि आप जानते हो, इस चैनल पर आपको देखने की मिलती है एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल वीडियो जो हम नीट एंड क्लीन बनाते हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स को एक एक पॉइंट का समझ आए। हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर एक से एक वीडियो पढ़िए जिसे आप देख के नॉलेज गेन कर सकते हो। हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम एक सीरीज बोर्ड बनाएंगे जो बहुत ही काम आता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चेक करने के लिए। तो ये देखिए, हमने ये स्विच कस के तैयार कर लिया है। देखिए, दो सॉकेट लिए हैं, दो स्विच है और एक टू पिन स्विच है, टू पिन सॉकेट है जो हम इसका कनेक्शन करेंगे। आपको ये कनेक्शन मैं प्रैक्टिकली भी बताऊँगा और एक पेपर के माध्यम से भी बताऊँगा। तो ये कनेक्शन सीखने के लिए आपको बने रहने पड़ेगा वीडियो में शुरू से लेके अंत तक, ताकि आप बारीकी से इस कनेक्शन को सीख सकें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे नहीं पता अभी कभी सब्सक्राइब करो, और दूसरों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह धीरे धीरे हमारी फैमिली आगे बढ़ती रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपका दिल से बहुत बहुत थैंक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन दर्शकों को इसकी जानकारी दे दूं जो नए हैं और उनको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं। जिनको पता है बहुत बढ़िया है, तो वो भी हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो में सहयोग दें। देखिए दोस्तों, ये एक जंबो होल्डर है। ये जंबो होल्डर पर हमने इसे छोटा लगाया, ये मिनी होल्डर है, ठीक है। और ये जो है टू पिन सॉकेट है, ये वन वे स्विच है जो हमने दो लिए वन वे स्विच। ये फाइव पिन सॉकेट है और ये भी हमने दो ले रखी हैं। ये दोनों सॉकेट हम डायरेक्ट करेंगे जो ये दोनों स्विचों से ऑपरेट होंगे। ये वाला जो है ये बल्ब के साथ कनेक्ट होगा जो सीरीज का काम करेगा। तो चलिए अब इसके कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए, हमने इस होल्डर के कनेक्शन पहले ही कर दिए, दो तारे निकालिए, सिंपली दो तारे होती हैं होल्डर की, वो निकालिए। अब क्या करेंगे, हम इस पूरे स्विच सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, ये दो है, इसको हमने ये स्विच से कनेक्ट करना है, मतलब ये डायरेक्ट रहेंगे, ऑन ऑफ होंगे पर ये डायरेक्ट रहेंगे, ये सीरीज में बनेगा। तो चलिए पहले इसकी कनेक्शन कर लेते हैं। तो पहले हमको एक यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक लूपिंग करनी पड़ेगी। कनेक्शन समझा देता हूँ। पहले हमने क्या किया, ये दो सॉकेट का लूपिंग किया था न्यूट्रल का, ये वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक हमने ये लूपिंग किया न्यूट्रल का। फिर हमने क्या किया, एक ये होल्डर की वायर है, ये वाले होल्डर की वायर है जो हमने ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमने एक एक ये पॉइंट बच गया, एक एक पॉइंट हमने ये स्विच में कनेक्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक।
अभी ये जो पॉइंट बचे इसकी हमने सीधा लूपिंग कर ली, यहाँ से लेके यहाँ तक एक तार डाल के लूपिंग कर ली, ठीक है। और एक तार जो ये बची थी इसमें ये वाली, तो ये हमने एक होल्डर की तार यहाँ पे डाल दी। तो ये सारा होने के बाद अब इसको पावर की जरूरत थी, तो जो हमने ये सीधी तार डाली थी यहाँ पे फेज लगा दिया, और ये इतने इतने भाग को न्यूट्रल की जरूरत थी तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल लगा दिया। तो बोर्ड के कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, कवर कर देते हैं ये बोर्ड, बैक बोर्ड लगा के। ये इसके कवरिंग बोर्ड है, तो इस पर लगा के हम दो स्क्रू इसमें लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, दो स्क्रू लगाएंगे। उसके बाद हम इसका टेस्ट करके देखेंगे कि वाकई में ये काम करता है कि नहीं। तो अब हम इस बोर्ड की टेस्टिंग करके देखेंगे, इसको लाइन देते हैं और उसके बाद इसके ऊपर इक्विपमेंट चला के देखते हैं कि वाकई में ये हमारा सीरीज बोर्ड काम करता है कि नहीं। तो इस बोर्ड को हमने पावर दे दी है, तो अब हम इसको चेक करने वाले हैं कि वाकई में ये सही से बना है कि नहीं बना। तो ये देखिए, हमने एक बल्ब है जो होल्डर में फिट कर दिया है। तो अभी हमें दो तारों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी तारें हम ले लेते हैं, उससे फिर हम चेक करेंगे कि ये वाकई में सही हुआ कि नहीं। तो ये हमने ये सीरीज बनाया, तो ये दो मेन है, तो पहले हम सीरीज वाला चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए एक तार इसमें और एक तार इसमें, आपने अच्छा सी ये टेस्टिंग लीड बनानी है। तो ये देखिए, ये वाकई काम कर रहा है, तो सीरीज हमारा काम कर रहा है। अब रही ये दो मेन है, तो ये मेन को भी चेक करने के लिए हमने एक ये होल्डर लिया, तो इससे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ये होल्डर लेने के बाद पहले इसको चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए, ये काम कर रहा है, ये पहले वाला काम कर गया। अब ये दूसरे में चेक करते हैं ये काम करता कि नहीं, तो दूसरा भी आप देख सकते हो काम कर गया। तो इससे ये होता है कि हमारे कनेक्शन प्रॉपर हो गए हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, पर जिन भाइयों को अभी भी समझ नहीं आया तो उनको घबराने की कोई बात नहीं, मैं एक पेपर के माध्यम से उसमें आपको डायग्राम बना के दिखा दूँ।